চায়নাকে এক নম্বর ধরা হয়েছে ম্যাম আমরা আরো পিছনে ইকোনমিক জোন তৈরি করা হয়েছে যেখানে ইন্ডিয়া যে সেকেন্ড পজিশনে আছে সেটা কিন্তু ইউএস এর কোম্পানিগুলোই বলছে যে স্বাগতম সবাইকে বিচার রিয়াকশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে ইন্ডিয়া বিটস ইউএসএ অ্যাজ মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব গ্লোবালি ইন্ডিয়া বিটস ইউএসএ অ্যাজ মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব গ্লোবালি তার মানে বুঝতে পেরেছো মানে ইন্ডিয়া কি ইউএসএ কে অ্যাট্রাকটিভ কোনো একটা অফার করছে আই মিন না ইন্ডিয়াতে ইনভেস্ট করার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমেরিকার কিছু কিছু ইনভেস্টররা অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে এই আর কি ওকে আর আজকের এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স থেকে ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি नाउ आप सब लोग ये बात समझते होंगे कि जब आपका प्रतिद्वंदी आपकी प्रशंसा करनी शुरू कर दे तब जेन्युइनली आपने प्रोग्रेस करी है आप आगे बढ़े नाउ हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडिया अब दुनिया में सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है इंडिया ने एक्चुअली यूएसए को पीछे छोड़ दिया टू बिकम द सेकेंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ये मैं कहूंगा एक टेस्टमेंट है कि मेक इन इंडिया इज ह्यूज सक्सेस ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इंडिया सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है यूएसए भी आगे निकल गया है ये किसने कहा है ये यूएस की ही कंपनी ने कहा है यहाँ पे आप देखोगे जो आर्टिकल है हमारी वित्त मंत्री ने भी शेयर किया है क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड जो दुनिया की एक नामी रियल एस्टेट कंपनी है जो आप कह सकते हैं टॉप 5 जो मेजर रियल एस्टेट कंपनी है दुनिया में उसमें इसका नाम आता है इन्होंने खुद की एक रिपोर्ट तैयार करी उस पर निकाला एक इंडेक्स इंडेक्स का नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स और इसमें खुद इन्होंने ये कहा है कि यूएसए से एक पायदान ऊपर पहुँच चुका है इंडिया और ये कंपनी शिकागो बेस्ड है बाय द वे तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर भारत की रैंक इम्प्रूव कैसे हुई है मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस इंडेक्स को टॉप किसने किया था रैंक 1 यहाँ पर किस देश की आई थी डेनमार्क फिनलैंड नॉर्वे या फिर स्वीडन नाउ अगर ये रिपोर्ट आपको पढ़नी है तो सिंपली यहाँ पर गूगल कर लेना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स पीडीएफ डाउनलोड तो आपको यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है ऑनलाइन मिल जाएगी ऑन कुशमैन एंड वेकफील्ड वेबसाइट और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो पूरी रिपोर्ट नाउ इस रिपोर्ट में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो बेसलाइन वाला सेक्टर है जहाँ पर ये लोग काउंट करते हैं कॉस्ट को रिस्क को और वेरियस फैक्टर्स को जिसे एक इन्वेस्टर देखता है कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर नंबर 1 है चाइना और नंबर 2 पे है इंडिया नंबर 3 पे यूएसए ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज के समय मैन्युफैक्चरिंग के मामले में यूएसए से कई गुना ऊपर देखते हैं इंडिया को और पिछले साल इस इंडेक्स में बाय द वे इंडिया तीसरे स्पॉट पे था हमने इस साल पहली बार यूएसए को बीट किया है और देखो चाइना को बीट कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी काम है ये रिपोर्ट खुद ही है यहाँ पर कह रही है कि जो बाइडेन के चाइना पर एक्शन लेने से पहले ही चाइना ने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दी है ट्रंप डिसीजन लेते थे फास्ट इसलिए काफ़ी बार उनके निर्णय गलत भी निकलते थे मगर बाइडेन बहुत स्लो है बाइडेन स्लो लिटरली रिपोर्ट में यहाँ पर लिखा है कि बाइडेन की जो डिसीजन मेकिंग है उससे पहले ही चाइना ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है काफ़ी जगह शिफ्ट कर दी है रोबोटिक्स में अब इनका ज़्यादा फोकस है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब ज़्यादा ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 40% जो रोबोट्स हैं अब देखो जब हम बात करते हैं रोबोट्स की तो हम उस रोबोट की बात नहीं करते जो होंडा कंपनी ने बनाया है किसी एग्जीबिशन में दिखाने के लिए कि कैसे वो फुटबॉल को लात मारता है जिन रोबोट्स की हम बात कर रहे हैं वो भविष्य में ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे इन फैक्ट्रीज तो जो ऐसे रोबोट्स हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा ये 40% आज के समय बिल्ड कर रहा है चाइना जो काम चाइना एक्चुअली 10-20 साल पहले कर रहा था मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग वो पकड़ लिया इंडिया ने चाइना अब इसके और आगे निकल गया है अब इनका प्राइमरली फोकस है रोबोटिक्स पर और इसके लिए इन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रोविंसेस हैं उनको भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया है सिटीज़ को तैयार करना स्टार्ट कर दिया है अब हाल ही में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग रीजन सेटअप कर दिए हैं इन ग्वांगडोंग एंड जियांगसू तो चाइना को नंबर 1 रैंक से हटाना मुश्किल होगा मगर
भारत इतनी जल्दी यूएस को ही बीट कर पा रहा है, यही मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो टॉप टीयर रैंकिंग है यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया के आसपास के कोई भी देश आपको नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर चाइना। मोस्ट नियरेस्ट आप अगर रैंकिंग देखो तो आपको यहाँ पर श्रीलंका दिखेगा, और श्रीलंका की भी यहाँ पर रैंक क्या है, रशिया से भी एक कदम ऊपर आपको मिलेगा श्रीलंका। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा। देखिए बांग्लादेश इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि बांग्लादेश का सिंपली एक ही फोकस है आज के समय, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर और जो हाई एंड आइटम्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं कर रहे। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से ये है कि बहुत ही बड़े स्केल पर वहाँ पे रोजगार मिल रहा है लोगों को, और लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। इंडिया में हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो ये तो थी यहाँ पर साउथ एशिया की रैंकिंग। नाउ साउथ एशिया में मैं कोई कंट्री बोल नहीं रहा यहाँ पर, एनीवे सो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जर्मनी, जर्मनी यूरोप का एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, जर्मनी इतना पीछे कैसे रह गया? देखिए जर्मनी है जो अभी के लिए अट्रैक्टिव है टू इन्वेस्टर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट काफी हद तक कम है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए होगा काफी प्रॉफिटेबल। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो टॉप कंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रही है ना टॉप 12 में टॉप 10 में, यहाँ पर आने वाले 10 साल तक आपको रेगुलर बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग थाईलैंड मलेशिया इसलिए पोलैंड आगे दिखेगा, वियतनाम इंडोनेशिया इंडिया इवन मैं कहूंगा चेक रिपब्लिक भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और इंडिया के यहाँ पर इस लिस्ट में होने के कारण क्या है, रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैन्युफैक्चरिंग हमने प्रमोट करने के लिए प्राइमरली जो चार स्कीम्स लॉन्च करी हैं ये आपके सामने हैं। एक तो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फिर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर, ये भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से सेक्टर में आज के समय लागू हो चुकी है। फिर उसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम ईएमसी 2.0, और उसके अलावा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर एसपीईसीएस। नाउ इन सब स्कीम्स में से सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल रही है द पीएलआई स्कीम, और आपको बताना चाहिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आज के समय एक्टिव है 12 सेक्टर्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे investindia.gov सरकारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये सब जो सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट्स जो कार्स में कंपोनेंट्स लगते हैं, ऑटोमोबाइल कार्स की मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा केमिकल्स, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स, वाइट गुड्स, ये सब कवर है पीएलआई के अंदर। में होता क्या है और ये सुना है कुछ बेस ईयर का यहाँ पे कहते हैं इस स्कीम की वजह से या फिर ऐसी स्कीम्स की वजह से इंडिया की रैंक यहाँ पर सेकेंड कैसे आ गई। देखो बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, सरकार ने यहाँ पर कंपनियों को ये कहा है कि भारत में आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम आपको 6-8% प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला जो सेक्टर है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इन्होंने इसका पुल ला रखा है 40,000 करोड़ का, तो इतने तक के आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलेंगे। मेटल्स में है 6,300 करोड़ के आसपास का, टेलीकॉम में है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का इंसेंटिव। अच्छा ये समझ में आ गया इंसेंटिव है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करो फ़ायदा मिलेगा। अगर फ़ायदा कैसे मिलेगा और हम कैसे तय करेंगे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करी है तो हमको फ़ायदा देना है, ये बात ध्यान से सुनना। कई लोग पीएलआई स्कीम को समझ पाए नहीं आज के समय, ये एक इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर हम बेस ईयर मानते हैं 2019-20। इसका मतलब है कि मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बीच में 100 फ़ोन मैन्युफैक्चर किए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो उसने 100 फ़ोन मैन्युफैक्चर किए थे। अब सरकार ये कहती है कि जितना इंक्रीमेंटल होगा यहाँ पर उस पर हम आपको देंगे फ़ायदे। तो अर्थात अगर मान लो कि कंपनी जोर लगाती है, कहती है अगला फाइनेंशियल ईयर जो है 2020-21 का, इसमें हम प्रोड्यूस करेंगे 150 फ़ोन, मतलब कि 50 फ़ोन एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिए यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर, तो जो इंक्रीमेंट हुई है ना यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ी है प्रोडक्शन, उसमें सरकार इनको 5-8% का फायदा देगी। मतलब कि 50 फ़ोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 6-8% के आसपास जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सरकार इस कंपनी को प्रोवाइड करेगी, मगर इसमें इन्होंने जो लैंड की कॉस्ट है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है उसको काउंट नहीं किया। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है, बाकी जो सब कॉस्ट है वहाँ पे सरकार हेल्प करेगी इन सब कंपनीज की। और वो भी हम क्यों कर रहे हैं,
वो भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ पर खुद ही मान रही है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे देश में चाइना की तरह आपको एक्सप्रेसवे नहीं मिलेंगे, माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में खर्चा आता है, तो जो ये एडिशनल खर्चा कंपनीज को करना पड़ता है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो कवर किया जाए, इसके लिए लॉन्च करी गई थी PLI स्कीम। ये जो ना ताशले बाहर इन्वेस्टर रहा है इन्वेस्टमेंट को स्कीम रहेगी, हो सकता है कि इन द फ्यूचर सरकार अगर चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर ले, ये भी निर्णय सरकार ले सकती है फ्यूचर में। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव कर लेते हैं, हम एक्सप्रेसवेज बना देते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना देते हैं, तब उसके बाद ऐसी स्कीम की आवश्यकता ही नहीं होगी। भारत यहाँ पर कह सकता है कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना ही इतना सस्ता पड़ गया है कि आपको किसी स्कीम के इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो, हमारे लोगों को सामान बेचो और प्रॉफिट कमाओ। और इंडिया में मैन्युफैक्चर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए यहाँ पर भी सरकार ने ये लिखा है, हमारे देश में आइटम्स की जो खपत है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खपत ये बहुत ज़्रा बढ़ गई है, और 2025 तक हमारी इकोनॉमी जैसे ग्रो करेगी तो हम अगर स्मार्टफोन ऐसे ही बाहर से परचेज करते रहे तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है ये बाहर जाता रहेगा, रुपये की वैल्यू और कम होती रहेगी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि हमको फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर पे ना करना पड़े। तो PLI स्कीम अपने आप में मैं कहूँगा एक रेवोल्यूशन है, इसने एक मेजर रोल प्ले किया है इंडिया को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने में। बाकी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको अगर काम करना है तो अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करना होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी होगी, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, तभी अपने आप ही आप देखोगे कि कई कंपनीज आपके देश में प्रोडक्शन करना पसंद करेगी। तो जो ये इंडेक्स का नाम है याद रखिएगा, भारत की रंग याद रख लेना, और जो टॉप कंट्री है यहाँ पर चाइना, ये भी आप याद रख सकते हैं। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पब्लिश करता है ये इंडेक्स, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी नॉर्वे। 180 कंट्रीज में से, और इंडिया की यहाँ पर रैंक थी 142nd, और आखिरी यहाँ पर रैंक थी एरिथ्रिया की, ये है एक अफ्रीकन देश। तो एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, यू शुड मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली एक्चुअली হচ্ছে ইন্ডিয়া এখন একটা ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হচ্ছে এই কথাটা ইউএস এর কোম্পানি বলছে, হ্যাঁ ইন্ডিয়া থেকে কেউ বলছে এরকম কিছু না, কেননা হচ্ছে এখন কিন্তু আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বলতে চায়নাকে বুঝি, এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এবং অন্য অন্য যে সমস্ত রিপোর্ট হয় সেখানেও কিন্তু চায়নাকে এক নম্বর ধরা হয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউএসএ থার্ড পজিশনে চলে এসেছে, কানাডা আছে ফোর্থ, এবং তাহলে বুঝতেই পারছো যে ইন্ডিয়া হচ্ছে এখন ম্যানুফ্যাকচারিং হাব যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে লিস্ট আছে তার মধ্যে সেকেন্ড পজিশনে আছে, আর চায়না ফার্স্টে, সেটা তো আমরা আগে থেকেই জানি। কেননা আমরা যখন চায়নাকে কিন্তু উনিও বলছে যে এখান থেকে সরানো সম্ভব নয়, আমার কাছে মনে হয় যে এটা ইম্পসিবল না, বাট সময় লাগবে, অনেক সময়ের ব্যাপার, কারণ তারা অনেক টেকনিক্যাল সাইড অনেক এগিয়ে গেছে, ডেভেলপমেন্ট করেছে। কেননা ইন্ডিয়া এখন মোবাইল উৎপাদন করছে কিন্তু চায়না কিন্তু 10-20 বছর আগে সেটা শুরু করেছিল, তার মানে সেই জায়গায় কিন্তু ইন্ডিয়া এখনো 20 বছর পিছনে আছে, এবং সেই দিক দিয়ে আমরা আরো পিছনে আছি, কারণ আমরা কিন্তু ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের দিকে এখনো মানে কোনো ধরনের নজরই দেইনি। কিছু কিছু দেশি কোম্পানি আছে, বাট আমার কাছে মনে হয় এখনো আমরা ওই পর্যন্ত যাইনি যেটাতে আমাদেরকে গণনার মধ্যে ধরবে আর কি। না আমাদের এখন তো আসলে আইটি সেক্টর এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারের জন্য কিন্তু আমাদের জোন, ইকোনমিক জোন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আসলে এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে। যখন এগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে এবং যখন আমরা এই সমস্ত ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচার করতে শুরু করব, তখন আমরা লিস্টের দিকে হয়তো বা র্যাঙ্কিং এর সামনে আগানোর জন্য চেষ্টা হবে আমাদের। আর ইন্ডিয়া যে সেকেন্ড পজিশনে আছে সেটা কিন্তু ইউএস এর কোম্পানিগুলোই বলছে যে ইন্ডিয়া এখন ম্যানুফ্যাকচারের দিক দিয়ে সেকেন্ড পজিশনে আছে, কেননা ইন্ডিয়া এখন প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচার করছে। আর এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের এই এশিয়ার কিন্তু কস্ট কম সব ক্ষেত্রে, সহজেই তোমার ওয়ার্কার বা কর্মী পাওয়া যায়, সেই কারণে কিন্তু আমাদের এই দিকটাতে কিন্তু বেশি উন্নতি হচ্ছে।
সবারই। আমাদের যেমন গার্মেন্টস সেক্টরে কিন্তু খুব কমই গার্মেন্টস সেক্টরের কর্মী পাওয়া যায়, সেরকম ওনাদের ওখানেও নিশ্চয়ই এরকম কম খরচেই লোক পাওয়া যাচ্ছে এবং তারা ম্যানুফ্যাকচারিং কাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং এডুকেশনও আরেকটা বড় ব্যাপার যেটা তারা আগাচ্ছে, এক্সপিরিয়েন্সও একটা বড় ব্যাপার, তারাও অনেক দিন আগেই শুরু করেছে তো তাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এবং আরও সামনে আরও বড় ভালোভাবে হবে। আমাদের যেমন গার্মেন্টস সেক্টরে কিন্তু এখন একটা যথেষ্ট ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে, হ্যাঁ অনেক পরিমাণ দক্ষ লোকবল আছে আমাদের গার্মেন্টসের জন্য। ইন্ডিয়াও কিন্তু টেক্সটাইলের দিকে আগায় আছে, কিন্তু পাশাপাশি তারা এখন টেক্সটাইলকে পিছনে ফেলে কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের দিকে আগে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। আর চায়না যে সমস্ত রোবট তৈরি করছে সেই রোবটগুলো হচ্ছে মানুষের বিকল্প হিসাবে কাজ করবে এবং অতি দ্রুত কাজ করতে পারবে। সো এখন সেখানে যখন রোবটিক হয়ে যাবে তখন কিন্তু ওখানে কস্টটা বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে, ইটস ডিপেন্ড অন। যদি রোবট তৈরিতে খরচ বেশি হয় তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং খরচ বেড়ে যাবে, আর যদি রোবট তৈরিতে খরচ কম হয় তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং খরচ কমে যাবে। আর আমাদের এখানে যেহেতু ম্যান পাওয়ারের খরচ কম সেই হিসাবে হচ্ছে আমাদের জায়গাটা বলা চলে যে আসলে কম খরচে এখানে উৎপাদন করা যাবে, সেই ক্ষেত্রে উন্নত বিষয়গুলো আমাদের দিকে আকর্ষিত হবে ইন্ডিয়ার দিকে। আর আমরা যদি এই ডেভেলপমেন্ট শুরু করি তখন আমাদের দিকেও আকর্ষিত হবে, তখন আমরাও যথারীতি সামনের দিকে একটা র্যাঙ্কিং পাবো। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি ভালোই লেগেছে, কিছু ইনফরমেশন জানতে পেরেছি। আর আজকে আমাদের ভিডিও রিয়েকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।